हाय एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। सो जैसे कि आपको पता है कि हम क्लास 11 की जो एनसीईआरटी है ज्योग्राफी की, उसे कवर कर रहे हैं। एंड इस बुक का नेम है फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, राइट? तो एज यू नो कि क्लास 11 में आपकी टोटल टू बुक्स है, अभी हम फर्स्ट बुक ही कवर कर रहे हैं। ऑलमोस्ट ये बुक कंप्लीट होने वाली है एंड इसका अभी 15 चैप्टर जो है वो हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था। प्रीवियस वीडियोज में जो है हम इसे कवर कर रहे थे एंड अगर आपको वो चैप्टर भी कवर करना है तो आप प्रीवियस वीडियोज को देख सकते हो। ओके, तो उससे पहले हमने कौन कौन से चैप्टर्स जो है कवर किए थे उसके ऊपर थोड़ा सा नजर जो है एक तरह से देख लेते हैं कि क्या क्या चैप्टर्स हमने यहाँ पे कवर किए थे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो एवोल्यूशन की बात की थी हमने कि धरती का एवोल्यूशन किस तरह से हुआ था, मून का किस तरह से हुआ था, लिथोस्फेयर पार्ट जो है हमारी धरती का उसका एवोल्यूशन किस तरह से हुआ था। एंड आफ्टर दैट वी हैड डिस्कस अबाउट द लेयर्स, राइट? लेयर्स ऑफ द अर्थ के बारे में जो है वी हैड डिस्कस, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आफ्टर दैट वी हैड डिस्कस अबाउट दी एक तरह से जो डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे ओशियंस का होता है एंड कॉन्टिनेंट्स का होता है, डिफरेंट यहाँ पे जो थ्योरीज यहाँ पे दे रखी हैं डिफरेंट ज्योग्राफीज ने, तो उनके बारे में डिस्कस किया था। एंड आफ्टर दैट वी हैड डिस्कस अबाउट दी लैंडफॉर्म्स जो कि परमानेंट लैंडफॉर्म्स होती हैं। एंड उसके बाद में ज्योमॉर्फिक प्रोसेसेस कुछ ऐसे होते हैं जैसे कि विंड हो गई, एयर हो गई, ओके, जिनकी वजह से ये लैंडफॉर्म्स बनते हैं। जैसे कौन से लैंडफॉर्म्स हो गए, आपकी एक तरह से हिल्स हो गए, डेजर्टेड एरियाज हो गए या फिर प्लेन एरियाज हो गए, उनके बारे में बात की थी। एंड आफ्टर दैट वी हैड आल्सो डिस्कस अबाउट दी अदर लैंडफॉर्म्स दैट आर टेम्परेरी, ओके, जो कि कुछ ही समय के लिए बनते हैं, बाद में जो उसकी फॉर्म जो है वो चेंज होती रहती है, तो इन्हीं ज्योमॉर्फिक प्रोसेसेस की वजह से, तो वो चीजें कवर की थी। एंड आफ्टर दैट जो है हमने क्लाइमेट के बारे में डिस्कस किया था, वेदर के बारे में डिस्कस किया था, वेदर का डिस्ट्रीब्यूशन जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड उसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। देन सोलर रेडिएशन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस किया था। एंड जो हीट की डिस्ट्रीब्यूशन होती है यहाँ पे उसके बारे में जो है सोलर रेडिएशन में हमने पढ़ा था। एंड आफ्टर दैट जो है वी हैड डिस्कस अबाउट द वाटर ऑल्सो, राइट? एयर के बारे में डिस्कस किया था, वाटर के बारे में डिस्कस किया था एंड वाटर इन द ओशंस जो है वो देखा था। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जो है जिसे हम वाटर साइकिल बोलते हैं वो भी हम पढ़ चुके हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो ये सारी चीजें अगर आपको कवर करनी है तो आप क्या कर सकते हो, आप प्रीवियस वीडियो उसको चेक कर सकते हो। आपको पूरी जो बुक है वो पूरी डिटेल में मैंने जो है यहाँ पे कवर करवाई हुई है, हर एक एस्पेक्ट जो है इसका यहाँ पे कवर करवाया है, तो आप प्रीवियस वीडियोस को चेक कर सकते हो। ओके, सो अभी कंटिन्यू करते हैं आगे। एंड अभी हम बात करेंगे अबाउट द टाइप्स ऑफ बायोम्स। हम बायोम्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि अब बायोम्स जो होती है वो कितने तरह की होती है। तो जो प्रीवियस वीडियोज है उसमें आपने जो है ये तो देख ही लिया होगा कि जो बायोम टर्म है उसका एक्चुअल में मीनिंग क्या है। नाउ वी विल ट्राई टू आइडेंटिफाई द मेजर बायोम्स ऑफ द वर्ल्ड, की वर्ल्ड के जो मेजर बायोम्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो हम यहां पे बोल सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड में जो है पांच तरह के मेजर बायोम्स होते हैं। पहला होता है फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में भी रहते हैं यहाँ पे जीव जंतु। देन उसके बाद में डेजर्ट होगी, ग्रासलैंड होगी, एक्वाटिक मीन पानी का एरिया हो गया जैसे ओशंस वगैरह होते हैं। उसके बाद में कुछ ऑल्टीट्यूडनल बायोम्स भी होते हैं। ओके, तो इनके कुछ फीचर्स जो है ना यहाँ पे आगे टेबल में आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। 15.1 जो टेबल है ना उसमें सारे फीचर्स जो है वो दे रखे हैं, तो आप जो है स्क्रीनशॉट लेके उसका पढ़ सकते हो या फिर जो है आप एनसीईआरटी की जो बुक है उसकी पीडीएफ आपको इजीली मिल जाएगी, तो वहां से भी आप पढ़ सकते हो। ओके, सो बायोकेमिकल साइकल्स की बात करते हैं हम, तो जैसे कि सन है, सन जो है वो बेसिक सोर्स है ऑफ एनर्जी जिसपे जितनी भी पूरी लाइफ है ना यहाँ पे हमारी धरती की वो डिपेंड करती है। तो ये कहाँ से, ये जो एनर्जी है वो लाइफ प्रोसेस को स्टार्ट करती है, कहाँ पे, इन द बायोस्फीयर। किस प्रोसेस के थ्रू, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू। ओके, जो कि द मेन सोर्स है यहाँ पे फूड का एंड एनर्जी फॉर द ग्रीन प्लांट्स। ओके, ग्रीन प्लांट्स के लिए जो है ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू जो है वो क्या लेते हैं, सन की एनर्जी लेते हैं। सो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो CO2 होती है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में या फिर ऑक्सीजन में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। सो आउट ऑफ द टोटल सोलर रेडिएशन दैट रीचेस द अर्थ सरफेस, जितनी भी सोलर रेडिएशन या फिर इंसुलेशन हमारी धरती पे पहुंचती है उसका ओनली कुछ हिस्सा ही, वह बहुत ही जो है छोटा सा हिस्सा, जिसे हम बोल सकते हैं कि ओनली 0.1% जो है वो फोटोसिंथेसिस में यूज होता है। तो मोर देन जो हाफ है वो जो है प्लांट रेस्पिरेशन प्रोसेस में जो है उसे यूज करता है इस एनर्जी को। ओके, तो देन उसके बाद में जो रिमेनिंग पार्ट होता है टेम्परेली जो है वो किस में होता है, जो अदर पार्ट्स होते हैं ना प्लांट के उसमें जो है वो स्टोर हो जाता है। ओके,
तो अगर हम बात करें कि जो लाइफ है यहाँ पे धरती की, उसमें जो है आपको डिफरेंट डिफरेंट तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो देखने को मिल जाएंगे. सो ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, दे एग्जिस्ट एंड सर्वाइव इन अ डाइवर्सिटी ऑफ एसोसिएशन. ओके, एक दूसरे के साथ इनकी एसोसिएशन होती हैं. ओके, सो सच सर्वाइवल इन्वॉल्व द प्रेजेंस ऑफ सिस्टमेटिक फ्लो. राइट, यहाँ पे क्या होता है कि इस सर्वाइवल में क्या होता है कि जैसे कि जो यहाँ पे जीव जंतु होते हैं, ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं. तो किस चीज की वजह से यहाँ पे जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, फ्लो ऑफ एनर्जी यहाँ पे होता है, वाटर का फ्लो होता है, न्यूट्रिएंट्स का फ्लो होता है फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू द अनदर ऑर्गेनिजम्स. ओके, सो दीज फ्लो जो है, ये जो फ्लो है वो ये शो करते हैं ये कि यहाँ पे हमारे वर्ल्ड के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उसमें कितनी वेरिएशंस हैं. एंड उनमें जो है, हम आपको पता है कि साल में कितने सीजन्स भी होते हैं एंड अंडर वेरिंग लोकल सर्कमस्टेंसेज. राइट, तो इन चीजों के ऊपर डिपेंड करते हैं कि किस तरह से यहाँ पे जो है ये जो फ्लो है वो हो रहा है, कि कौन सा सीजन वहां पे चल रहा है साल का, या फिर कौन सी लोकल सर्कमस्टेंसेज वहां पे चल रही है. इन चीजों के ऊपर डिपेंड होता है ये जो सिस्टमेटिक फ्लो होता है एनर्जी का फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू दी अनदर ऑर्गेनिज्म. ओके, तो स्टडीज हैव शोन दैट कि फॉर द लास्ट 1 बिलियन ईयर्स, राइट, जो लास्ट 1 बिलियन ईयर्स हैं, जो एटमोसफेयर एंड हाइड्रोस्फेयर है, इट हैज बीन कम्पोज ऑफ अप्रोक्सीमेटली द सेम बैलेंस ऑफ केमिकल कॉम्पोनेंट्स. ओके, तो इसमें एक तरह से जो है एटमोसफेयर एंड हाइड्रोस्फेयर में जो है सेम बैलेंस जो है वो बना हुआ है केमिकल कॉम्पोनेंट्स का. तो दिस बैलेंस ऑफ द केमिकल दिस बैलेंस ऑफ द केमिकल एलिमेंट्स इज मेंटेन्ड बाय द साइक्लिक पैसेज थ्रू द टिश्यूज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. ओके, तो ये किस तरह से जो है मेंटेन होता है, एक साइक्लिक पैसेज होता है एंड वो एक तरह जो प्लांट्स एंड एनिमल्स के जो टिश्यूज होते हैं ना, उसके थ्रू जो है ये केमिकल एलिमेंट्स का जो बैलेंस है वो यहाँ पे बना रहता है. ओके, सो द साइकिल स्टार्ट्स बाय अब्सॉर्बिंग द केमिकल एलिमेंट्स. ओके, जो साइकिल है वो किस तरह से स्टार्ट होता है, केमिकल एलिमेंट्स को जो है पहले वो अब्सॉर्ब करते हैं कौन, ऑर्गेनिजम्स, एंड फिर बाद में जो है फिर सांस के थ्रू जो है उसे हवा में छोड़ते हैं, या फिर पानी में जो है वो जाता है, या फिर सॉयल में जाता है थ्रू द डिकम्पोजिशन ऑल्सो. ओके, एंड ये जो साइकिल होता है इसे एनर्जी कौन देता है, सोलर इंसुलेशन. तो ये जो साइक्लिक मूवमेंट्स होती हैं केमिकल एलिमेंट्स की ऑफ द बायोस्फीयर ऑर्गेनिज्म के बीच में एंड एनवायरमेंट के बीच में, इसे हम जो है बायो जो केमिकल साइकिल बोलते हैं. ओके, आई होप जो है आपको इसकी डेफिनेशन के बारे में पता चल गया होगा. तो बायो का यहाँ के मतलब क्या हो गया, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, एंड जियो का क्या मतलब हो गया, रॉक्स, सॉयल, एयर एंड जो वाटर है यहाँ पे धरती पे. ओके, तो यहाँ पे दो तरह के आपको बायो जियो केमिकल साइकिल्स जो है वो देखने को मिलेंगे, एक होता है गैशियस, दूसरा होता है सेडिमेंटरी साइकिल. ओके, सो अगर हम गैशियस साइकिल की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है कि जो न्यूट्रिएंट का मेन रिजर्वर कहाँ पे होता है, एटमॉस्फेयर में या फिर ओशन में होता है. ऑन दी अदर हैंड इफ वी टॉक अबाउट द सेडिमेंटरी साइकिल, तो जो मेन रिजर्व है वो कहाँ पे होता है, सॉयल में, मिट्टी में, या फिर जो रॉक्स होती है अर्थ क्रस्ट की, वहां पे जो है आपको ये जो न्यूट्रिएंट्स है वो देखने को मिलेंगे. राइट, तो नेक्स्ट वी हैव अ वाटर साइकिल. ओके, आप जो है आप बात करेंगे कि यहाँ पे भी जो है एक साइकिल होता है, जो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं या फिर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस जो है वो क्या करते हैं, इस साइकिल में जो है वो मूव करते रहते हैं. ओके, फ्रॉम वन लिविंग ऑर्गेनिज्म टू द अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म. सो ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो एटमोसफेयर है या फिर जो लिथोस्फेयर है, उसमें क्या होता है, एक तरह से जो है सर्कुलेशन ऑफ वाटर होता है इन सॉलिड, लिक्विड या फिर गैसीय फॉर्म में. तो इस चीज को हम वाटर या फिर हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बोलते हैं. तो ये कॉन्सेप्ट हम जो है ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं, जो चैप्टर 13 था इस बुक का. ओके, तो ये 15.1 टेबल है जिसके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे थे. सो दिस इज द 15.1 टेबल जिसमें जो है डिफरेंट जो बायोम्स हैं, ओके, जो डिफरेंट बायोम्स हैं पूरे वर्ल्ड के, उनके फीचर्स के बारे में दे रखा है. सबसे पहले तो यहाँ पे है फॉरेस्ट. ओके, फॉरेस्ट जो बायोम है, तो फॉरेस्ट की कई तरह की टाइप्स हो सकती हैं, ट्रॉपिकल, इक्वेटोरियल हो सकती है, डिसाइडियस हो सकती है, टेम्परेट हो सकती है, बोरियल हो सकती है. ओके, तो कौन कौन से रीजन्स में, कौन से लैटिट्यूड में जो है आपको ये फॉरेस्ट देखने को मिल सकते हैं, उनके एरियाज के बारे में, लैटिट्यूड्स के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है. बाकी क्लाइमेट का जो फीचर्स होता है कि टेम्परेचर कितना यहाँ पे रहता है, A1 में टेम्परेचर कितना
कितना रहेगा उसके बारे में बताया हुआ है, 20 to 25 degree रहता है ए टू में, राइट, ए टू में जो है जो ये लैटिट्यूड है वहां पे टेम्परेचर कितना रहेगा, देन बी में, राइट, ये बी जो है ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका हो गया, नॉर्थ ईस्ट एशिया हो गया, वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप हो गया, वहां पे टेम्परेचर कितना रहता है, उसके बाद में जो ब्रॉड बेल्ट है यूरेशिया की या फिर नॉर्थ अमेरिका की वहां पे टेम्परेचर कितना रहता है, उसके फीचर्स जो है वो यहाँ पे बताए हुए हैं, एंड इनमें जो सॉइल्स है ए वन ए टू में बी में एंड सी में कि किस तरह की सॉइल होती है, एसिडिक होती है एंड वो जो है न्यूट्रिएंट्स में काफी ज्यादा पुअर होती है, ओके, फर्टाइल होती है बी में, सी में भी जो है एसिडिक होते हैं, वहां पे भी जो है न्यूट्रिएंट्स आपको कम मिलेंगे, एंड फ्लोरा एंड फोना किस तरह का यहाँ पे मिलेगा आपको इन फॉरेस्ट में उसके बारे में बताया हुआ, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, अगर आप ये टेबल को अच्छे से समझ लेते हो ना आपको काफी सारी जो कॉन्सेप्ट्स है ना वो पता चल जाएंगे कि इन एरियाज में किस तरह की सॉइल होती है, किस तरह का फ्लोरा एंड फौना होता है, किस तरह का क्लाइमेट रहता है, एंड ये वाले जो टाइप है फॉरेस्ट के वो आपको कौन से रीजन्स में देखने को मिलेंगे, ओके। तो सिमिलरली जो नेक्स्ट बायोम है हमारे पास ग्रास लैंड है, ग्रास लैंड वो भी दो तरह की आगे हो सकती है, ट्रॉपिकल सावना या फिर टेम्परेट स्टेप हो सकती है, ओके, ए एंड बी में इसे डिवाइड किया हुआ है, तो ए में क्या रहता है कि ये लार्ज एरियाज हो गए अफ्रीका के, ऑस्ट्रेलिया के, साउथ अमेरिका के या फिर इंडिया में, वहां पे जो है आपको ट्रॉपिकल सावना जो ग्रासलैंड है वो देखने को मिलेगी, एंड उसके बाद में टेम्परेट स्टेप जो है वो यूरेशिया या फिर नॉर्थ अमेरिका में आपको देखने को मिल सकती है, ओके। तो किस तरह का क्लाइमेट रहेगा, तो ए में यहाँ पे वार्म हॉट क्लाइमेट जो है वो बताया हुआ, रेनफॉल कितनी होती है 500 से लेके 1250 mm तक होती है, मिलीमीटर तक, ओके। नेक्स्ट टेम्परेट स्टेप में डेट मींस जो बी है वहां पे समर्स गर्म रहती हैं, जो है सर्दियां काफी ठंडी रहती हैं, एंड रेनफॉल 500 से 900 mm वो जो है यहाँ पे बताई हुई है। नेक्स्ट यहाँ पे सॉइल के बारे में बताया हुआ है, ओके, एंड नेक्स्ट जो है यहाँ पे फ्लोरा एंड फोना किस तरह का रहता है। सिमिलरली यहाँ पे जो नेक्स्ट है एक्वेटिक हो गया एंड ऑल्टीट्यूडनल हो गया, तो इन बायोम्स के भी जो है सेम फीचर्स यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं, ओके, तो आप जो है इन्हें खुद यहाँ पे रीड कर सकते हो, एंड कुछ चीजें जो है हम ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर्स में जो है इनके बारे में कवर भी कर चुके हैं, राइट। अब नेक्स्ट कार्बन साइकिल की बात करते हैं, तो जो कार्बन है वो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ना उनका बेसिक एलिमेंट है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो है एक बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट होता है कार्बन साइकिल, ओके। तो क्या होता है कि जितने भी बायोस्फीयर है, यहाँ पे जो बायोस्फीयर है उसमें हाफ और मिलियन कार्बन कंपाउंड जो है वो आपको देखने को मिलेगा, ओके। तो जो कार्बन साइकिल होता है ना मेनली क्या होता है, ये कन्वर्जन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर, ओके, तो ये जो कन्वर्जन है वो किस तरह से इनिशिएट होता है, स्टार्ट किस तरह से होता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होती है कहां पे, फ्रॉम द एटमॉस्फेयर थ्रू द फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू जब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक तरह से फिक्स होती है, उसका फिक्सेशन होता है, तब जाके जो है ये कन्वर्जन स्टार्ट होता है, ओके। तो इसकी वजह से, इस कन्वर्जन की वजह से क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज जो है, ओके, इस तरह की चीजें जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी, एंड सुक्रोज, स्टार्च, सेलुलोज जो है इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलेंगी, ओके। एंड कुछ कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो प्लांट खुद ही जो है डायरेक्टली यूटिलाइज कर लेता है, एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस मोर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जनरेट होती है एंड रिलीज थ्रू इट्स लीव्स और रूट्स ड्यूरिंग द डे, ओके। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ज्यादा यहाँ पे जनरेट होती है एंड रिलीज भी होती है प्लांट के रूट्स की वजह से या फिर उनके लीव्स के थ्रू, ओके। जो बाकी कार्बोहाइड्रेट्स होती है वो जो है नॉट बींग यूटिलाइज बाय द प्लांट, बाकी जो नहीं है वो प्लांट यूज नहीं करता है, वो क्या होता है प्लांट के टिश्यू का एक पार्ट बन जाता है, ओके? तो अब ये प्लांट की जो टिश्यूज होती हैं या तो फिर उसे हार्बिवोरस एनिमल्स वो खा लेते हैं या फिर जो है वो क्या होते हैं वो डिकम्पोज हो जाते हैं, ओके? तो अब क्या होता है जो हार्बिवोरस है वो इसे कन्वर्ट करता है कंज्यूम कार्बोहाइड्रेट्स को किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में, तो उसे जो है वो फिर हवा में क्या कर देता है रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू रिलीज कर देता है इस कार्बन डाइऑक्साइड को, ओके? अब क्या होता है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज हो जाते हैं तो वो जो है रिमेनिंग कार्बोहाइड्रेट्स को जो है एक तरह से डिकम्पोज कर देती है जब एनिमल मर जाता है, जो बाकी बची होती है उसमें माइक्रो जो कार्बन उसके एक तरह से उसके जो शरीर में जो बची होती है ना, राइट, कुछ तो कार्बन डाइऑक्साइड को वो रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू छोड़ देगा, बाकी जो बची होती है वो जो है एक तरह से क्या हो जाती है डिकम्पोज हो जाती है, ओके। सो जो कार्बोहाइड्रेट्स दैट आर डिकम्पोज बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फिर जो है वो ऑक्सीडाइज होती है इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड एंड जो है फिर वो वापस कहां पे चली जाती है, एटमॉस्फेयर
ट्रोपोस्फेयर में चली जाती है। तो ये जो फिगर है ये इसमें आप देख पाते हो, ये जो है कार्बन साइकिल की एक फिगर जो है वो यहाँ पे बताई हुई है कि ये एटमोस्फेयर में आपको कार्बन डाइऑक्साइड देखने को मिल रही है। ओके, यहां से जो है ये एक तरह से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू प्लांट ने जो है इसे यहाँ पे कंज्यूम कर लिया, इस कार्बन डाइऑक्साइड को। अब क्या हो गया, ये जो है थोड़ी सी रूट्स में चली गई एंड रूट्स जो है जब रेस्पिरेट करेंगे तो वहां से जो है वापस यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये कहाँ पे चली गई, सॉइल में चली गई, राइट। तो सॉइल में से जो है ये हो सकता है दोबारा से एटमोसफेयर में चली जाती है। तो इस तरह से एटमोसफेयर से ही आई थी तो फिर जो है प्लांट के रूट्स में पहुंच के रूट से जो है फिर से जो है एक रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू, सॉइल का जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है उससे जो है वो कहाँ पे चली गई, एटमोसफेयर में चली गई। ओके, इसी तरह से जो है अगर एनिमल्स ने जो है इसे ले लिया, राइट, अगर एनिमल्स ने जो है इसे खा लिया इस प्लांट को, तो एनिमल्स भी क्या हो गए, वो कार्बन डाइऑक्साइड को एटमोसफेयर में क्या करेंगे, छोड़ देंगे। ओके, कुछ जो है वो यहाँ पे डिकम्पोज भी हो जाएगी, राइट। तो जब डिकम्पोज होती है तो उसमें से भी क्या होता है कि सॉइल के थ्रू जो है वो क्या होता है, एटमॉस्फेयर में चली जाती है, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, एंड अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।